दिल्ली में आसन विधानसभा चुनाव की आहटों को भांपते जहां आम आदमी पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के आंदोलन से दूरी बना ली है, वहीं कांग्रेस पूरे जोर शोर से इस आंदोलन को हवा दे रही है। वैसे तो राहुल बाबा इस दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने के बाद अपनी इंडोनेशिया की यात्रा पर निकल गए हैं, पर प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है और इस मामले में सोनिया गांधी भी खासी एक्टिव दिख रही हैं। वहीं कांग्रेसी नेताओं के बच्चे भी इस आंदोलन में खुलकर सामने आ रहे हैं। सुभाष चोपड़ा की बेटी और अजय माकन के बेटे को मंडी हाउस में ही हिरासत में ले लिया गया। वहीं भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त जान पड़ती है कि इस आंदोलन को लेकर मुस्लिम जहां आप और कांग्रेस में बट गए हैं, वहीं हिंदू एकजुट होकर भाजपा के साथ आए हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।